हेलो दोस्तों, आज का पाठ है ट्यूबवेल बोर्ड। जो घर में ट्यूबवेल का एयर लगा रहता है ना, जिनके यहाँ भी पानी के लिए ट्यूबवेल लगवाए हैं, वहाँ एक ठो पैनल का बोर्ड रहता है ट्यूबवेल का, जहाँ से ट्यूबवेल को ऑन ऑफ करते हैं, वो पैनल का उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। ट्यूबवेल को बीच बीच में चेक करते रहें, इससे पैनल के अंदर कोई तार वार कुछ जल रहा है, कुछ भी हो रहा है अंदर में, वो पता चलता है। छिपकली भी अंदर में नहीं जाना चाहिए कहीं पर से भी, तो उसको पैकिंग करके रखें। ऊपर नीचे जहाँ से भी केबल घुसा है, तो पहले ट्यूबवेल के पैनल को ओपन कर लें, अंदर साइड का फ़ोटो मोबाइल से अपना खींच ले, दो तीन प्रकार का फ़ोटो उसमें खींच लें, बड़ा छोटा कर करके। जहाँ पर मोटा तार आया है वह पावर सप्लाई का तार है, और पतला तार जहाँ जहाँ स्विच बटन ये जिसमें सब जगह गए दौड़ा है, वो है कंट्रोल तार कहते हैं उसको। जहाँ तक ओपन हुआ है, नंबर दिख रहा है, वो नंबर को भी नोट कर लें अपना पैनल का। पीला तार में ये नंबर है, वो स्विच में गया है, इसमें वो कंट्रोल कॉन्टेक्टर में गया है, आप बटन में गया है, इस प्रकार से पैनल के इन साइड का पूरा जो जो नंबर दिख रहा है, नंबर को भी अपना डायरी में नोट करके रखें। पैनल के अंदर यदि स्पार्क का हो रहा है, कोई पैनल का बटन ऑन करते ही, जैसे ट्यूबवेल को ऑन करते हैं, अंदर में कुछ चिंगारी निकल रहा है, स्पार्क हो रहा है, तो पैनल को खोल के देखने से पता चल जाता है कि यहाँ पर का तार जल रहा है। यदि कोई तार जल रहा है तो उसे साफ कर छील कर लगा दें। यदि ज़्यादा जल गया है तो उतना को काट कर अलग से करके साफ करके लगाएं, और फिर पैनल बंद करके अपना ट्यूबवेल को सेफ्टी से फिर ऑन करें। आज का ये पार्ट वन का टॉपिक इतना है दोस्तों, धन्यवाद। आज का ये कैसा लगा आप कंट्रोल करें, ये कमेंट करें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।